नमस्कार दोस्तों, हम लोग आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं। अब तक 145 तक हमने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी प्राधिकारियों के बारे में बहुत सारी बातें की। और भाई अगर एक काम करेंगे तो कुछ वेतन वगैरह की भी बात कर लें, सैलरी की भी बात कर लें। देखो कोई भी काम बिना पेट के नहीं होता, तो आइएगा कुछ देखते हैं ऐसे ही इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 146 क्या कहता है, आर्टिकल 126 क्या कह रहा है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के खर्चे कैसे निकाले जाएंगे, पैसा कहां से आएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन कहां से आएगा, उनको भी तो पैसा चाहिए, उस बारे में कुछ लिखा है। सिंपल सा आर्टिकल है, आपको समझ में आ गया कहां से है। मैं ओवरऑल बता दूं, कंसोलिडेटेड फंड से ही सब कुछ आना है। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड से आएगी। सैलरी का जो तरीका है वो शेड्यूल नंबर 2 में भी लिखा हुआ है, प्लस पेंशन भी संचित निधि से ही आएगी, जिसे कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, जिसका आर्टिकल 266 है। आइएगा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी, जज की बात नहीं है, जज तो 124 में वहां पे वेतन लिखवा रखा है, बट उसके जो और अधिकारी हैं और सेवक, वहां पे देखो केवल जज नहीं होते कि 34 जज है, 34 जज के अलावा कितने हजार वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं, अधिकारी प्राधिकारी छोटे बड़े हर तरह के, उनके सबके वेतन है, सबके खर्चे हैं। या आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, जज की गाड़ी आ जा रही है, जज का ड्राइवर है, तो उनके सबके वेतन खर्चे की कुछ बातें। सेवक और नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जाएगी जैसा कि निर्देश दे, उनकी सैलरी ये लोग डिसाइड करेंगे, बशर्ते राष्ट्रपति नियम के अनुसार या अपेक्षा कर सकती हैं कि ऐसे मामले जो नियम में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के अलावा किसी भी व्यक्ति को जो कि पहले से ही न्यायालय से जुड़ा नहीं है, न्यायालय से जुड़े किसी कार्यालय में नियुक्त नहीं किया जाएगा। पहले से कोई अधिकारी कहीं काम कर रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना है। हाँ, आईएएस पीसीएस वाले अधिकारी इधर आ सकते हैं काम करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज बिल्कुल फ्रेश भर्ती होगी सुप्रीम कोर्ट में, बाहर से लेके उधर नहीं लाना है। आ गए, जो आ गए तो वो कैसे काम करेंगे। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान के अधीन सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों सेवकों की सेवा शर्त ऐसी होगी जो बनाए गए नियम द्वारा निर्धारित की जा सकती है। नियम कौन बना रहा है, संसद बनाएगा, भैया कितनी सैलरी मिलेगी, कितने नियम होंगे, कितने बजे आना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस अनुच्छेद के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा, बशर्ते कि इस खंड के तहत बनाए गए नियम जहां तक वे वेतन भत्ते संबंधित है, छुट्टी पेंशन आदि के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। भैया नियम बनाने का काम संसद ही करेगी, छुट्टी कौन डिसाइड करेगा, संसद राष्ट्रपति मिलकर आपकी छुट्टी डिसाइड करेंगे कि एक साल में कितने दिन आना है ऑफिस, कितने बजे आना है, सैलरी पेंशन उधर से सेट हो गई। सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें न्यायालय की कार्यालय सेवकों या उनके संबंध में देय सभी वेतन भत्ते पेंशन शामिल है, इसका प्रभार मतलब लोड कहां से पैसा आएगा, लिया जाएगा भारत की संचित निधि और न्यायालय द्वारा ली गई कोई भी फीस कहां जाएगी, वो भी संचित निधि में। अगर न्यायालय ने फाइन मारा तो वो संचित निधि में जाएगा, और न्यायालय के कर्मचारियों का वेतन भी संचित निधि से आएगा, बस इतनी सी बात है। हैप्पी, चल ठीक है। जजों का वेतन 124 और 126 उधर आपको मिल जाएगा। इधर जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं आपके बाकी के जो सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके वेतन सैलरी। अब जैसे मान लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज को पेन चाहिए, पेन का भी तो खर्चा है भाई, सरकारी कार्यालय में रबड़ पेन पेंसिल झाड़ू पोछा सबका पैसा आता है, और उसका सबका बिल बना के वेंडर पेमेंट करना पड़ता है। जज की सैलरी अलग है, बाकी खर्चे भी तो हैं, वो कहां से आएंगे, तो संचित निधि से आपके वेंडर पेमेंट हो गए। चलेगा, मिलते हैं कल आर्टिकल नंबर 147 के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा, टाटा बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।